हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, जो कि है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब बना होता है आपके वर्ब एंड एडवर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके। ये बहुत ही छोटे फ्रेजेस होते हैं जिनको हम इजिली यूज कर सकते हैं अपने कॉम्युनिकेशन में या इनफॉर्मल वे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, इनका मतलब बहुत अलग निकल के आता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग मीन्स किसी चीज को साथ लाना। शी प्लान टू ब्रिंग अलोंग अ बुक। उसने एक किताब साथ लाने की योजना बनाई। ब्रिंग अलोंग मीन्स किसी चीज को साथ लाना, कैरी करना। ब्रिंग बैक, वापस करना, किसी चीज को लौटाना। यू प्रॉमिस टू ब्रिंग मी बैक अ प्रेजेंट। तुमने मुझे एक उपहार वापस करने का वादा किया। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है आप इन फ्रेजल वर्ब को इसी तरीके से इसी सेंटेंस में फॉर्म करें। आप कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएं जो आपके पर्सपेक्टिव से हो और इन फ्रेजल वर्ब का यूज करें। हम कह सकते हैं, मेरी बुक वापस दो, ब्रिंग बैक माई बुक। ब्रिंग डाउन, घटाना या कम करना। आई थिंक अबाउट हाउ टू ब्रिंग डाउन द कोरोना पेशेंट्स। मैं सोचती हूँ कि कोरोना रोगियों को कैसे घटाया जाए। सो ब्रिंग डाउन मीन्स घटाना या कम करना। लुक अप, सुधारना या ठीक करना। थिंग्स विल स्टार्ट टू लुक अप इन द न्यू ईयर। नए साल में चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। लुक अप मीन्स सुधारना। मेक आफ्टर, किसी का पीछा करना। ही मेड आफ्टर द थीफ। उसने चोर का पीछा किया। मेक आफ्टर, किसी चीज का पीछा करना। मूव ऑन, जो कि बहुत ही बोला जाता है, कॉमनली अक्सर इसे लोग यूज करते हैं। मूव ऑन, मूव ऑन मीन्स आगे बढ़ना। डोंट हॉल्ट हियर, मूव ऑन, यहां मत रुको, आगे बढ़ो। मूव ऑन मीन्स आगे बढ़ना। पास अवे, मर जाना या गायब होना। पास अवे का कॉमनली यूज तो हमने सुना ही है, ही पास्ड अवे लोग बोलते हैं। ही पास्ड अवे मीन्स वह मर गया, लेकिन पास अवे का एक दूसरा मीनिंग होता है जो है गायब होना। This trouble will pass away. यह परेशानी जल्दी गायब हो जाएगी। So, pass away means मर जाना या गायब होना। Pass out, बेहोश होना या training pass करना। हमने सुना है अक्सर student बोलते हैं कि उन्होंने 12th pass out कर लिया है या वो MBA pass out कर गए हैं। Pass out means होता है कोई भी training pass करना, कोई भी degree pass करना, लेकिन pass out का दूसरा meaning होता है friends बेहोश होना। To his surprise gift, she had passed out. उसके अचानक तोहफे से वह बेहोश हो गई। So, passed out means बेहोश होना या training pass करना। Pass off, गायब होना या छुटकारा पाना। The storm should pass off before dark. अंधेरे से पहले तूफान को गायब होना चाहिए या गुजरना चाहिए। Pass off means गायब होना या छुटकारा पाना। स्टैंड फॉर, कई बार हम बोलते हैं मैं तेरा स्टैंड ले रही हूं। स्टैंड मीन्स पक्ष या स्टैंड फॉर मीन्स पक्ष, लेकिन स्टैंड फॉर को हम एक और चीज बोल सकते हैं, वो है सहना। आई वोंट स्टैंड फॉर दिस रूडनेस। मैं इस अशिष्टता को नहीं सहूंगा। स्टैंड फॉर मीन्स पक्ष या किसी चीज को सहना। टेक असाइड, टेक असाइड मीन्स एक तरफ या अकेले में। बहुत बार हमने बोलते भी सुना है लोगों को, जब वो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या बस में, तो वो कहते हैं टेक असाइड प्लीज। इसका मीन्स है एक तरफ हो जाओ। ही टुक असाइड मी फॉर गिविंग सरप्राइज। उसने मुझे अलग ले जाकर तोहफा दिया। टेक असाइड मीन्स एक तरफ करना या अकेले में। टेक ओवर, अधिकार करना या कब्जा, इसका भी बहुत कॉमनली यूज होता है टेक ओवर। बिजनेस की अगर हम बात करें तो हम बहुत बार सुनते हैं कि इस कंपनी ने इसको टेक ओवर कर दिया। सो टेक ओवर मीन्स अधिकार करना या कब्जा जमाना। हु विल टेक ओवर द बिजनेस, कारोबार को कौन अधिकार में लेगा। सो टेक ओवर मीन्स अधिकार करना या कब्जा जमाना। टेक ऑफ, हटाना या उड़ना। आपने बोलते हुए सुना होगा कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। टेक ऑफ मीन्स उड़ना। टेक ऑफ का दूसरा मीनिंग होता है हटाना।
द प्लेन विल टेक ऑफ इन अ मिनट, विमान एक मिनट में उड़ान भरेगा। तो कभी भी कोई आपसे बोले कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है तो आप समझ जाइएगा मीन्स फ्लाइट उड़ने वाली है। ब्रेकअप, ये भी यूथ आजकल कॉमनली यूज करते हैं। ब्रेकअप मीन्स किसी चीज का टूटना या कोई संबंध टूटना। ब्रेक अप दिस लार्ज लम्स ऑफ डर्ट, गंदगी के इन बड़े ढेरों को तोड़ो। ब्रेकअप मीन्स संबंध टूटना या तोड़ना। टर्न डाउन, किसी चीज को मना करना या अस्वीकार करना। वाई डिड शी टर्न डाउन योर इन्विटेशन, उसने आपका निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। टर्न डाउन मीन्स मना करना। फेड अप मीन्स परेशान या तंग, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है फेड अप। आई एम फेड अप ड्यू टू कोरोना डिजीज, मैं कोरोना बीमारी से परेशान हो गई हूँ। सो फेड अप परेशान होना। ब्रिंग अप पालना, शी इज स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग अप अ फैमिली, वह एक परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रही है। ब्रिंग अप मीन्स पालना। कॉल फॉर, आवश्यकता या मांग करना। कैन आई कॉल फॉर हेल्प, क्या मैं मदद के लिए कॉल कर सकती हूँ। कॉल फॉर मीन्स आवश्यकता या मांग करना। गेट अवे, बच निकलना या भाग जाना। आई वॉन्टेड टू गेट अवे, मैं दूर जाना चाहती थी या चाहता था। गेट अवे मीन्स बच निकलना या भाग जाना। गेट बिहाइंड, नाकाम होना या पीछे हटना। आई डोंट वॉन्ट टू गेट बिहाइंड विद माई वर्क, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहता। गेट बिहाइंड मीन्स नाकाम होना या पीछे हटना। किक ऑफ, किक ऑफ मीन्स शुरू करना, ये भी बहुत ही एक अच्छा फ्रेज है। किक ऑफ मीन्स शुरू करना। व्हाट टाइम शैल वी किक ऑफ, हम किस समय शुरू करेंगे। किक ऑफ मीन्स स्टार्ट करना या शुरू करना। किक बैक, वापस होना। किक बैक एंड एंजॉय द समर, वापस जाए और गर्मियों का आनंद ले। किक बैक मीन्स वापस होना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मीन्स भी वापस होना होता है फ्रेंड्स। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ हिज शो, उन्होंने अपने शो को रद्द करने का फैसला किया। सो कॉल ऑफ मीन्स वापस होना। होल्ड ऑफ, रोक कर रखना। कैन यू होल्ड ऑफ योर डिसीजन, क्या आप अपना निर्णय रोक सकते हैं। होल्ड ऑफ मीन्स किसी भी चीज को रोकना। पास ऑफ, बीतना या गुजरना। द स्टॉर्म विल पास ऑफ बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले तूफान गुजर जाएगा या ढल जाएगा। पास ऑफ मीन्स बीतना या गुजरना। पास ओवर, किसी भी चीज को खत्म करना, फिनिश करना। आई कांट पास ओवर दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को खत्म नहीं कर सकता। सो पास ओवर मीन्स खत्म करना। हम अपने फ्रेंड से कह सकते हैं पास ओवर द गेम, गेम को खत्म करो। पुल डाउन, किसी भी चीज को नीचा दिखाना या गिरना। इट इज इजियर टू पुल डाउन देन बिल्ड, बनाने की तुलना में गिरना आसान है। पुल डाउन मीन्स गिरना या नीचा दिखाना। कई बार हम सुनते हैं सोशल साइट में पुल डाउन किया जाता है सेलिब्रिटीज को। पुल डाउन मीन्स नीचा दिखाना, जिसे हम ट्रोलिंग भी कहते हैं। कैरी ऑन, ये भी कॉमनली यूज होता है आजकल। कैरी ऑन मीन्स लगे रहना। वी विल कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन विद हर, हम उसके साथ बातचीत जारी रखेंगे। कैरी ऑन मीन्स लगे रहना। होल्ड डाउन, किसी भी चीज को बरकरार रखना। ही नेवर कुड होल्ड डाउन अ जॉब, वह कभी नौकरी बरकरार नहीं कर सका। होल्ड डाउन मीन्स बरकरार रखना। होल्ड ऑन, ये वर्ड भी बहुत कॉमनली यूज होता है। होल्ड ऑन मीन्स रुकना। होल्ड ऑन लेट मी चेक माई डायरी, रुको मुझे अपनी डायरी की जांच करने दो। होल्ड ऑन मीन्स रुकना या रुको। हम कह सकते हैं होल्ड ऑन आई एम कमिंग, रुको मैं अभी आ रही हूं।
होल्ड ऑन मीन्स रुको या रुकना। लुक इन टू, किसी चीज पे जब हम गौर करते हैं या किसी चीज की जांच करते हैं तब हम कॉमनली ये यूज करते हैं लुक इन टू। ही प्रॉमिस टू लुक इन टू द मैटर, उसने मामले को जांचने का वादा किया। लुक इन टू मतलब गौर करना या जांच करना। कम ऑफ, अलग होना। ए बटन हैड कम ऑफ माई कोट, एक बटन मेरे कोट से उतर गया था। कम ऑफ मीन्स अलग होना। मेक आउट, पता लगाना या समझना। आई कुडंट मेक आउट व्हाट शी मीन्ट, मैं उसके मतलब का पता नहीं लगा सकती। मेक आउट मीन्स पता लगाना या समझना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये फ्रेजल वर्ब अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।